पति जेठरानी सास तीनों ने मिलके एक नई दुल्हन को मार दी। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक सच्ची कहानी में आप लोग का स्वागत करती हूँ और एक सच्ची कहानी लेके आ गई मैं। मेरी मुलाकात एक दक्षिण भारतीय परिवार से वे हुई थी। उनका एक बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी, बस एक ही बच्ची थी। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पता नहीं ये लोग तो मतलब रिश्तेदार में शादी करते हैं। उनका वो किसी एंगल से वो रिश्तेदार था, रिश्ता आया वो लड़की के लिए जब वो 13 साल की थी। वो लड़का का उम्र 30 साल था। उसके पापा बोले लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छा पैसा वाला भी है, पर तुम्हारा शादी हम करवा देंगे। वो लड़की बहुत रोई, बोले नहीं पापा हमको पढ़ाई करना है। वो छोटी बच्ची थी, उसको लाइफ का एम तो वो बता नहीं पाई, लेकिन वो बोलती थी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, बस अभी मुझे शादी नहीं करनी, किसी भी कीमत पे मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसके पापा नहीं माने, नहीं सुने, बोले पढ़ाई करके क्या कर लेगी, कभी ना कभी तो आखिर में तुमको शादी करना ही पड़ेगा। कल को अगर कुछ हो जाता है उस नीचे तो हमारे खानदान का नाक तो कट जाएगा, तुम किधर लाभ करोगे, क्या करोगे, किसके साथ भागोगे, क्या गारंटी है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, तुमको शादी करना ही पड़ेगा। वो लड़की बहुत समझाई, बहुत रोई, बहुत गिर गई, माँ बाप दोनों को समझाई, लेकिन किसी ने नहीं माना। फाइनली उसी लड़के के साथ उसका शादी करवा दी। करने के बाद वो स्टार्टिंग से ही वो लड़का उसको बहुत ज़्यादा मारता था, पिटता था, गाली देता था। वो उसको काम करना नहीं आता था, बहुत छोटी बच्ची थी। घर में तो उसकी मम्मी खाना बनाती थी, सारे काम करती थी, वो तो स्कूल जाती थी, स्कूल में वो पढ़ाई करती थी, लेकिन वो काम के लिए हर छोटी छोटी बात के लिए उसको ताना मारते थे, मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे। इसके पीछे भी एक बड़े रीजन है। वो लड़की जो थी ना, वो उसकी जेठरन के साथ उसका पति का मतलब रिश्ता था, इलीगल रिश्ता था। उसका जेठ जी का देहांत हो चुका था, उसका जितना प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी सब कुछ पाने के लिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में था उसका पति। और वो उसको देखे, उसका जेठरन भी बहुत मतलब जलती थी, मारने पिटने के लिए वो उसकाती थी, भड़काती थी। ऐसे वो रो के वो घर आ जाती थी। वो छोटी बच्ची थी, वो सब कुछ एडजस्ट नहीं कर पाती थी, बहुत रोती थी। वो वापस मायके आ जाती थी। उसका पापा मम्मी उसको समझाते थे, वो ससुराल वाले हैं, तुमको सारी ज़िंदगी उधर ही रहना है, तुमको थोड़ा एडजस्ट करना है, अभी नया है, थोड़ा कैप्चर करो क्या है, क्या करके हम कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या करके उस मतलब क्या करके हम उसको बदल सकते हैं, तुम थोड़ा कोशिश करो, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तुम कल को माँ बन जाओगे, बच्चा हो जाएगा, फिर लगाव हो जाएगा तुमसे, वो ऐसे ख़राब नहीं होगा, तुमको अब तुम्हारी तकदीर है वही, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे समझा के उसको वापस छोड़ के आ जाते थे। 2-4 दिन होता नहीं था, फिर उसको मार के हालत खराब कर देते थे, फिर वो बच्ची वापस आ जाती थी मायके में, फिर उसका माँ बाप उनको बताते थे, पूछते थे, फिर झगड़ा होता था, फिर समझाते थे उनको, फिर लड़की को समझाते थे, ऐसे करके फिर वापस छोड़ के आ जाते थे। वो लास्ट टाइम क्या हुआ, उसके बेटी आ गई, फिर मार खा के आ गई, बोले पापा हमको मारना है तो तुम ही मार दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उधर। हमने वो लड़की क्या हुआ, वो खुले उसकी आंखों से देख लिया, उसका जेठरन के साथ उसका पति को देख लिया एक रात को। उसके लिए वो बहुत पिटाई किया उसको, वो देख लिया था सारे बात, सबको बताने वाले था, इसके लिए वो उसको बहुत ज़्यादा पिटाई किया। उसके बाद वो आ गए घर, बोले पापा अब मुझे नहीं जाना, उधर जाके मरना है तो इधर ही मर जाती हूँ मैं, तुम लोग मुझे ही मार दो, तुम पैदा किए हो, तुमको हक बनता है, मार दो मुझे, तुमको इधर रखने को नहीं हो रहा है तो मुझे मार दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। उसके माँ बाप ने फाइनली माइंडसेट किया, नहीं हम नहीं भेजेंगे, इतना मार खा रहा है, हम उनको भी समझा रहे हैं, बेटी भी तो कोशिश कर रहे हैं। वो सारे बातें सुनते थे, सारे बात देखते थे, देखे वो लड़का सुधरने वाला नहीं चेंज हो रहा है, तो फालतू में लड़की को भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे माइंडसेट किया उन लोगों ने, उसको नहीं भेजे। जब वो लोग देखे वो नहीं भेज रहे, वो लड़का आया एक दिन उनके घर को, आया आके बोला माफ़ी मांगा, हम अपनी बीवी के साथ रहेंगे, अब भाभी से हम बात नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम अपना फैमिली देखेंगे, आज के बाद कोई लफड़ा होगा नहीं घर में, कभी झगड़ा नहीं होगा। ऐसे बोलने के बाद वो लड़की यकीन नहीं कर रही थी, वो रो रही थी, पापा ऐसे बोल के लेके जाते फिर मारते,
मुझे नहीं जाना, उसके पापा बोले ये लास्ट टाइम है उसका, ये लास्ट टाइम हमेशा के लिए लास्ट टाइम हो गया। वो गई 3 दिन ही उधर रही थी। 3 दिन के बाद उनके मायके वाल को मतलब सूचना दी गई, आपकी लड़की जो है आत्महत्या कर ली, गले में फांसी डाल के आत्महत्या कर ली। उसके पापा सॉफ्ट हो गए, उसके पापा कैसे 3 दिन में सब कुछ ठीक ठाक था, वो कैसे आत्महत्या कर सकती है, वो बिलीव नहीं कर रहे थे। माँ बाप सब दौड़ के गए, जाके देखे तो सारे निशान थे, खून था। बोले ऐसे कैसे मर गई, इसे आत्महत्या करने से ऐसे होगा क्या? वो पहले ज़माने में क्या होता था, पत्थर में धान का छिलका निकलने के लिए पत्थर में बड़ा सा टब जैसा होता था, उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर डाल के कुटाई करने के बाद वो धान से चावल चावल निकालते थे, छिलका निकाल के चावल निकालते थे। वैसे उसका पेट पे उसके छाती पर फूल मार मार के उसका वो कीमा जैसा बना दिए थे, उसका हड्डियाँ सारे टूट चुकी थी और वो दो हाथ दो पैर में वो रस्सी जो बांधा हुआ था बांध के जो मारे थे वो निशान सब कुछ ऐसे ही था, वो मतलब देखने लायक नहीं था। वो हालत देख के उसके पापा पागल हो गए, किधर केस करने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिला, उनका दिमाग ही उनका साथ नहीं दिया, बहुत रो रहे थे। उसके माँ बोले ये लास्ट टाइम है, उसके बाद तुम्हारा तकदीर है, तुम आओगे ना इस बार अगर कुछ गलत करेंगे ना तो हम तुम्हें हमेशा के लिए रख लेंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे, नहीं जा रहे थे, बहुत रो रहे थे, मुझे नहीं जाना है, वो लोग मुझे मार देंगे। वही हुआ, आखिर उसको मार दिए, उसको मतलब कूट कूट के ऐसे पेट पर छाती पर ऐसे किए थे, वो देख के उसका पापा पागल हो गए। उसका दिमाग सही रहता तो वो केस वगैरह करते, सब कुछ उनका प्रूफ उनके सामने था, सबके सामने था, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं किया। और उसके माँ अकेले क्या करती, कुछ नहीं कर पाई, केस में कुछ नहीं हुआ। ऐसे पता नहीं उनका साथ क्या हुआ होगा, ये तो भगवान को मालूम है, भगवान तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे, ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ते वो, लेकिन कभी ना कभी तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे जब करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन पहले तो सब कुछ वो राक्षस ने बर्बाद कर दिया। माँ बाप को थोड़ा मतलब देख अगर बेटी पैदा की है तो थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए, खुद को माँ बाप को पहले रखना चाहिए। अगर बेटी जिद कर रही है किधर शादी करने के लिए, किधर आपका नाम खराब कर रहे हैं तो अलग बात है, तो आप शादी पे आप ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अगर लड़की राजी नहीं है, पढ़ाई का छोड़ दीजिए, आपका मतलब हैजत नहीं है पढ़ाने के लिए, तो रानी बना कर रखने के लिए तो छोड़ दीजिए। आप कोई भी छोटा सा काम भी उसको सिखा सकते हैं, जैसे वो खुद कमा कर खुद का पेट वो खुद पाल सकते हैं, ऐसे कुछ आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे कोई सिलाई कढ़ाई का हो या कुछ नहीं, आपका औकात नहीं तो रोजगार जैसे वो करेगी शादी के बाद। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई टॉर्चर करता है तो पहले लड़की सोचती है हम खाएंगे क्या, जाएंगे किधर, रहेंगे किधर, करेंगे क्या, वो पहले सोचती है, इसलिए वो बहुत कोशिश करती है सब कुछ सहने की, लेकिन आखिर में वो हार मान जाती है। कितना सहेगी वो, सब कुछ तो भगवान इंसान ही बनाए हैं, वो लोहे का तो किसी को बनाया नहीं, सबके मतलब सेम आत्मा है, शरीर है, सब कुछ सेम ही है, वो एक को तो कुछ खास दिया नहीं, तो एक के साथ नाइन से भी होगा तो वो मतलब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर माँ बाप को थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि समाज का ये ट्रेडिशन है तो कैसे भी करके हमको शादी करवानी है, तो करो करवाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन करने से पहले थोड़ा कोई भी छोटा सा काम उसको दिला दो, करने के लिए उनको स्ट्रांग बनाओ, कोई भी काम करे, चाहे रोड पे ठेला में वो कुछ बेचे या दूसरों के घर में काम करे या कंपनी में मजदूर रहे, कुछ तो करे, लेकिन आत्मनिर्भर बने, खुद कुछ कमाए, तब जाके खुद के ऊपर वो भरोसा कर पाएगी,
स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगी और सारे घर वाले भी थोड़ा समझेंगे, मतलब वो भी इंसान है, जब तक वो कमाएगी नहीं उनके टुकड़े पर पलेगी, जिंदा रहेगी तो उनको लगेगा ये तो कुत्ता है, ये इंसान तो है ही नहीं, उनको आदत लग जाती है टॉर्चर करने के लिए। वो जब बर्दाश्त की सीमा जब ख़त्म हो जाती है ना, तब तो लड़कियाँ या तो किसी के हाथ मर जाती है या खुद दम तोड़ देती है। तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।